मैं रोमिल शर्मा महंत श्री काल भैरव मंदिर की ओर से 7+ चैनल के माध्यम से आप सबको नवरात्रों की सरल पूजा विधि उपलब्ध करवा रहा हूं, जिससे आप नवरात्रों में लाभ ले सके और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। 5 नवरात्रे हमारे हो चुके हैं और आज हमारा 6ठा नवरात्रा माता कात्यायनी का है, जो दुर्गा माता के 6ठे स्वरूप में है। और आज हम माता कात्यायनी का व्रत करेंगे। व्रत कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे और क्या भोग माता को हम लगाएंगे, वो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम माता कात्यायनी का आपने ध्यान करना है, माता का स्वरूप कैसा है। कात्यायनी माता बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। माता रानी शेर पर सवार हैं। और माता रानी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऋषि कात्यायन के कुटिया में प्रकट हुई थी, इसलिए माता रानी का नाम कात्यायनी पड़ा। माता की पूजा हम कैसे करें। माता की पूजा हमने वैसे ही करनी है, पांव स्पर्श करने हैं, पांव धुलाने हैं, हाथ धुलाने हैं, माता को आसन समर्पण करना है, फिर माता की आरती करनी है, पूजा करनी है, मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र वही रहेगा, सिर्फ आपने 108 बार हर मंत्र का उच्चारण करना है। नवरात्रों के 9 के 9 दिन आपने 9 माताओं का मंत्र बोलना है और कम से कम एक माला प्रातः और एक माला रात को आपको अवश्य करनी चाहिए, जिससे आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस दिन माता को आप लाल और सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। माता कात्यायनी को आप जब भोग लगाने लगें तो माता को गुड़ का भोग लगाएं और माता को आप साबूदाने की खीर का भोग लगाएं, जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न होगी। जिन भक्तों का शुक्र खराब है, वो उस दिन माता कात्यायनी को सफ़ेद खीर का या सफ़ेद किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, इससे उनका शुक्र प्रबल होगा और माता रानी की कृपा उन पर बनी रहेगी। माता रानी का मंत्र है, वही मंत्र है, जा देवी सर्वतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। माता से हम विनती करते हैं कि हे माता कात्यायनी, आप दुर्गा माता को 6ठा स्वरूप हैं और आप हम पर कृपा करें, हमें हमेशा शांत स्वभाव का बनाए रखें और हमारे अंदर जितनी भी कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, उसका आप निधन करें, वो चीज़ें हमसे दूर होनी चाहिए। तो कात्यायनी माता से हमने प्रार्थना करनी है कि हे माता, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाएं और हमें बिल्कुल शांत रखें, क्रोध हमसे दूर हो। कहते हैं कि एक क्षण का क्रोध 100 पुण्यों को खा जाता है, इसलिए क्रोध से मुक्ति पानी है। माता से ये आशीर्वाद लेना है कि हमें क्रोध कभी ना आए और आप हम पर कृपा करती रहें। इस तरह करनी है आपने माता कात्यायनी की पूजा। इसी के साथ मैं रोमिल शर्मा श्री काल भैरव मंदिर की ओर से 7+ माध्यम चैनल के माध्यम से आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर उपस्थित होऊंगा 7वीं माता कालरात्रि की पूजा लेकर।